जीजा जी आप इस समय? हम तो हर जीजा ना, हम तो हर इस समय पति बने। जीजा जी आप ही का कहते हैं, मजाक के लिए कोनो सीमा होला? आखिर मोहन जी राव भाई हम ना। पहले तू शांत हो जा, ओकर बाद सब हम तोहके समझा दे। देखो भले तुहार मोहन से शादी भइल बटे, लेकिन असली पति हम बानी और तू हमार पत्नी हो। उ शादी एगो दिखावा है। जीजा जी आप ही का कहत हैं, मजाक के लिए कोनो सीमा होला? आखिर मोहन जी राव भाई हम ना। फिर भी जी मोहन हमार भाई ना, एक घर के नौकर हम, तुहार नौकर समझलो, और तू हमारा दिल के रानी हो। नहीं जीजा जी आप मजाक करतनी, हम आपके पाँव पड़तनी, आप मोहन जी के बुला दी, हम उनका से मिलन चाहतनी। रुकर अब वे बुलावा तनी तब विश्वास होई ना तोके। मोहन, हे मोहन। जी मालिक। मोहन जी देखी ना जीजा जी कितना घिनौना मजाक करतनी, तेरा तो हम रहुआ साथे ले ले रानी है ना। रहुआ तो हमार पति हैं और हम आपके पत्नी हैं, और जिया जी कहतनी कि तू हमार पत्नी हो। यहाँ का हमार मालिक हैं और आप हमार मालकिन, और हम एक घर का नौकर हैं। मोहन अब तू जा यहाँ से। जी मालिक। मोहन जी रुकी ना। अब हो गई तसल्ली, जब हम ही थोड़ा पति बानी ते में का हर्ज बटे। तू आराम से रह यहाँ और हमारा दिल के रहने वाली के रहा, और ये तू हमारा दिल पे राज कर। जीजा जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते नहीं, हमके छोड़ दे जीजा जी, हमके छोड़। सुनो आज के रात प्यार के रात है, रो अल्लाह जना रानी। काजल भाई ने खाना खा लो, रात से तू कुछ खेले ना मारू ना तो तबियत खराब हो जाए तुम्हारा। जहर ला के दे सकेला? जहर ती भला कैसे हो सकेला काजल? बहुत ही भड़वा और खटिया किस्म के इंसान बड़ा तू, तहरे मेरे आलू के दूसर के छुआता और ताकि कोनो फर्क नहीं के पड़ा। देखा इतना गुस्सा मत होखा ना तो तुहार तबियत खराब हो जाए। अच्छा तबियत खराब हो जाए तो के ज्यादा फर्क पड़ता, हमार तबियत खराब हो जाए है जब तू खाना नहीं बड़ा ना तू ही खा। देखा काजल तू जो समझता लेकिन बिल्कुल गलत समझता। अच्छा तो हम तो के गलत समझता नहीं, गलत नहीं की समझ तू गलत पड़ा, तोरे मेरा आलू के दूसरे के छुआता और तो के कौन फर्क नहीं पड़ा। अरे दरवाजा खुले में इतना काहे लेट हो गए? मालिक मुर्गा बनाओ तो नहीं। अच्छा लेग पीस डालने वाले ना? हाँ मालिक दो पीस डालने वाले, ये वो आपके आए वो मालकिन खाती थे। पहले चल पानी लेके आप रख दे।
हमारे मेहरानों के साथ इतने सुहागत मनी में वो सिर्फ हमार मेहरानों हमार काजल आई लव यू काजल आई लव यू मोहन ये का कहला तू मार देनी है करके हम ना मर्द ना है काजल कि जोन कैलस एक सजा ही पा गई वो तो हमके दिखाई देता लेकिन ये लाश के कहाँ होई तू चिंता मत कर काजल ये लाश का ठिकाना हम लगा देंगे ये समझती है ना काजल जे भी होई हम संभाल ले उनके दरवाजे से भगा दे ऐसे बात तू जा जल्दी से कहीं जाके रुका जा जा जल्दी अरे जा जल्दी आई दरोगा सर आई दरोगा सर आई हमारे नौकर हमारे पति के मार देना सर और मरने के बाद हमारी इज्जत लूटे के कोशिश कैलन कहाँ बात साला हूँ हवलदार पकड़ के लाओ चल चल सांचा सर बाथरूम में रुकाया था साहब हम कुछ नहीं के लिए साहब बहुत गर्मी बा तोरी खून में ते मालिक के खून कदले अब मालकिन के इज्जत लूटत रहले अपने चल थाना में चल एम्बुलेंस कहाँ बात तो इंस्पेक्टर साहब अंदर बनी बाहर लड़का बैठल बा का मैटर है हाथ टूटल बा फैयार लिखाई ल जी साहब अफैयार लिखाई ल कल जाके एक बार इंक्वायरी कर लिया ठीक 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 बा साहब ए इंस्पेक्टर हाउ जो लड़के के झूठे मर्डर केस में बंद कैले वाले न पता बा केकर आदमी हो धरती ढकेल सिंह का केकर धरती ढकेल सिंह के चुप साला तोर भाई सांसद का हारल प्रत्याशी हो तत्ते खुद के दादा समझत हवे अगर एक शब्द और बोलले न तो अंदर ले जाके इतना रेलब बेटा कि देही के साथ साथ सच्ची दिमाग के गर्मी उतर जाई ओट भोसड़ी वाला फक ए इंस्पेक्टर थोड़ा तमीज में बात कर आ गाली मत दे नहीं तो बहुत बुरा होई ते तमीज और बदतमीज हमके सिखैबे हई रोलवा देखत अड़े गणिया में डारब आ मुहवारा निकाल ले चल भाग और सुन जाके बोल दी है अपने सांसद प्रत्याशी से धरती ढकेल सिंह से जवन उखारे को होई उखार ली थाने में बानी हमार नाम चौबे है जवानी ना पूरा डकार जानी नमस्कार मैं संतोष कुमार त्रिपाठी सीबीआई से आखिर ये मर्डर किसने किया मोहन ने काजल ने या धरती ढकेल सिंह ने इन तीनों का आपस में क्या माजरा है यदि मोहन ने मर्डर किया तो पुलिस को फोन किसने किया आइए देखते हैं भाग दो नमस्कार